साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन से सीखे इंग्लैंड के स्पिनर। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मिला मौका। स्टीव स्मिथ आईपीएल 2021 खेलने से कर सकते हैं मना, माइकल क्लार्क ने बताई वजह। तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन से सीखे इंग्लैंड के स्पिनर। इंडिया के खिलाफ चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद इंग्लैंड की टीम इसे भुलाकर आगे बढ़ेगी, साबिक कप्तान नासिर हुसैन ऐसा मानते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के स्पिनरों को अश्विन और अक्षर पटेल से सीख लेने की बात कही। टीम के माइंडसेट पर भी सवाल उठाए। नासिर ने कहा, उनको इस बात को समझना होगा कि घर के बाहर वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा से किस तरह से निपटना है इसे सीखना होगा। जिस तरह से जैक लीच और मोइन अली ने इंडिया के खिलाफ पहली पारी में फुल टॉस इतनी डाली कि पिछले 5 टेस्ट मैचों के दौरान नहीं देखा गया था, हर एक ओवर में उन्होंने फुल टॉस गेंद डाली। उन्होंने आगे कहा, मैंने अक्षर और अश्विन को फुल टॉस डालते हुए नहीं देखा, वो काफ़ी कंट्रोल में थे और उनके अंदर विकेट लेने की ताकत नज़र आई, यही वो चीज़ है जिस पर उनको काम करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को मिला मौका। इंडियन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। 19 रुकनी टी20 टीम में पहली बार मुंबई के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन किया गया है, तो वहीं विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में 173 रन की पारी खेलने वाले ईशान किशन भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं राहुल तेवटिया भी टीम में पहली बार चुने गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टी20 टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवटिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। स्टीव स्मिथ आईपीएल 2021 खेलने से कर सकते हैं मना, माइकल क्लार्क ने बताई वजह। 18 फरवरी को जब दिल्ली कैपिटल्स ने स्टीव स्मिथ को सिर्फ 2.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था, तब काफी लोगों को हैरानी हुई थी। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि स्टार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के लिए इतनी कम बोली लगी। स्मिथ दुनिया के टॉप 4 बल्लेबाजों में से एक हैं और इंडिया के खिलाफ हुई लिमिटेड ओवरों की सीरीज में अच्छी फॉर्म में भी थे। स्मिथ की कम कीमत पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क भी हैरान हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि स्मिथ टूर्नामेंट में शायद कम कीमत और इसके शुरू होने से पहले के क्वारंटाइन कानूनों के चलते इस साल ना ही खेले। माइकल क्लार्क ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि पिछले साल का उनका आईपीएल भी अच्छा नहीं गया, उन्हें जो पैसे मिले मुझे उसकी हैरानी है, $4 लाख से थोड़े से कम है, हालांकि फिर भी ये अच्छी रकम है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी फैमिली से 11 हफ्ते और 38,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स के लिए दूर रहेंगे। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। जमशेदपुर ने मुंबई सिटी एफसी को 2-0 से हराया।
मुंबई सिटी एफसी का लीग में नंबर वन पर बने रहने का ख्वाब अब महज ख्वाब ही रह गया है, क्योंकि शनिचर के रोज इंडियन सुपर लीग के मुकाबले में जमशेदपुर ने उन्हें 2-0 से शिकस्त दी। ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। जापान की नाओमी ओसाका ने शनिचर के रोज वुमेन्स सेक्शन में जेनिफर ब्रैडी को सीधे सेटों में हराकर साल का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता है। उन्होंने जेनिफर ब्रैडी को 6-4 और 6-3 से हराया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।